सब्सक्राइब करें जीत स्टॉक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीत स्टॉक में। दोस्तों आज की टेक न्यूज में हम बात करेंगे HTC के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च को लेकर जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, उसकी बात हम बात करेंगे। लेनोवो को आने वाले न्यू लैपटॉप के बारे में, डुअल डिस्प्ले वाला जो लैपटॉप होगा उसके बारे में, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे एसस ने जो अपने दो नए लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किए हैं उसको लेकर, इसके साथ हम बात करेंगे जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं जैसे गूगल असिस्टेंट, इसके लिए इसको लेकर आई एक रिपोर्ट को लेकर, इसके साथ हम बात करेंगे इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर को लेकर। तो चलिए शुरू। सो हे गाइस, दिस इज जीत एंड वेलकम टू ऑल इन जीत स्टॉक। दोस्तों आज की पहली टेक न्यूज की शुरुआत हम करते हैं HTC के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च को लेकर जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, और ये दो स्मार्टफोन हैं HTC Desire 12 और HTC Desire 12 Plus। यदि बात की जाए HTC Desire 12 की तो यह 5.7 इंच की डिस्प्ले के साथ जो है लॉन्च हुआ है, और यह 2GB 16GB जो है वेरिएंट इसके साथ लॉन्च हुआ। और यदि इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी जो कीमत है वह 15,800 रुपये रखी गई है, और यदि इसकी बैटरी की बात की जाए तो यह 2500 mAh की समथिंग की बैटरी है। तो 15,000 की प्राइस में ये जो मोबाइल फ़ोन है यह लोगों के लिए काफ़ी महंगा होगा, क्योंकि इससे भी कम प्राइस में लोगों को बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल हैं। यदि बात की जाए इसके बाद Desire 12 Plus की, तो इसकी जो कीमत रखी गई है वह 19,780 रुपये रखी गई है, और यह जो स्मार्टफोन है 6 इंच की HD डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ है, और यह 3GB 32GB के वेरिएंट में लॉन्च हुआ। और यदि बैटरी की इसकी बात की जाए तो इसकी जो बैटरी है वह 2900 mAh 2900 mAh की समथिंग की इसकी जो बैटरी है वो इसमें दी गई है। दोस्तों आज की जो दूसरी टेक न्यूज है वह लेनोवो को लेकर है। लेनोवो आने वाले दिनों में अपने जो नया लैपटॉप है डुअल डिस्प्ले योगा 2 लैपटॉप जो है वो लॉन्च करने वाला है, और इसकी यदि टक्कर मानी जाए तो वह एसस जेन नोटबुक से है, जो कि ये वाला इस लैपटॉप भी एसस कंपनी लॉन्च करने वाली है कुछ ही दिनों में। तो ये लेनोवो और एसस के बीच में एक कड़ी टक्कर होगी। दोस्तों आज की तीसरी जो टेक न्यूज वह है एसस कंपनी को लेकर है। एसस कंपनी ने जो है अपने दो नए गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। यदि इन दोनों लैपटॉप की बात की जाए तो पहला जो लैपटॉप है वह है स्ट्रिक स्कॉर्ड 2 और दूसरा जो लैपटॉप है वो है स्ट्रिक हीरो 2। यदि इनकी कीमत की बात की जाए तो जो स्ट्रिक स्कॉर्ड 2 है इसकी कीमत है 1,34,000 के समथिंग, और जो दूसरा लैपटॉप है स्ट्रिक हीरो 2 इसकी जो कीमत है वह 1,14,000 के समथिंग है। तो यह जो इस लैपटॉप होंगे ये गेमिंग लवर्स के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इनमें जो प्रोसेसर है यह हाई क्वालिटी का है, और ये दोनों लैपटॉप जो है गेमिंग लवर्स को लोगों को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं, और ये ROG रिपब्लिक ऑफ गेमिंग इनने ही डिज़ाइन किए हुए हैं। आज की जो अगली टेक्निक जो वह है वॉइस असिस्टेंट को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉइस असिस्टेंट है जो उसकी दिन पे दिन जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, लोग इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। कुछ भी आपको सर्च करना है आप सीधा टाइप करने की जगह वॉइस असिस्टेंट पर सर्च करते हैं, या वॉइस से जो है सर्च करना चाहते हैं, चाहे वो आप कुछ भी काम करें। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक यह निकलकर सामने आया है कि ये जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं इनसे जो अपनी प्राइवेसी है उसमें खतरा है, अपनी जो प्राइवेसी की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं भी ये शेयर कर देते हैं अपन से बिना पूछे, या अपना जो मोबाइल फ़ोन होता है इसकी जो प्राइवेसी होती है उसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं ये शेयर कर देते हैं। ऐसा ही एक केस अमेरिका में सामने आया है जब उनकी कुछ पर्सनल बातें जो है वॉइस असिस्टेंट के जरिए उनके दूसरे फ्रेंड को सेंड कर दी गई। तो इस रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि ये जो वॉइस असिस्टेंट है ये लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और इसका इस्तेमाल जो है हमें कम करना चाहिए। दोस्तों आज की जो अगली टेक न्यूज है रेडमी 6 मोबाइल फ़ोन को लेकर है। जो रेडमी का अपकमिंग स्मार्टफोन है रेडमी 6 जो कि दो वेरिएंट प्लस और रेडमी 6 प्रो इसमें लॉन्च किए जाएंगे, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वह फिक्स हो चुकी है, और यह 12 जून को जो है लॉन्च किए जाएंगे, इसके बाद इंडिया में भी लॉन्च किए जाएंगे। दोस्तों आज की जो अगली टेक न्यूज है वह है इंस्टाग्राम को लेकर। इंस्टाग्राम लवर्स के लिए यह एक खुशखबरी वाली न्यूज़ है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यह निकल कर सामने आया है कि इंस्टाग्राम इस चीज़ की टेस्टिंग कर रहा है। जब अपन अभी इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हैं तो वो 30 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो शेयर नहीं कर पाते, तो इंस्टाग्राम इसकी जो है कैपेसिटी बढ़ाने वाला है, और यह 1 घंटे तक की वीडियो शेयर जो है अब इंस्टाग्राम पर की जा सकती है। इसकी टेस्टिंग चल रही है और आने वाले कुछ दिनों में जो है आप इंस्टाग्राम पर 1 घंटे तक की वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो यह इंस्टाग्राम लवर्स के लिए एक खुशी की न्यूज़ है।
दोस्तों आपको आज की एक टेक न्यूज़ कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम सुबह वीडियो शाम को जो टेक न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।